श्रीलंका इस समय आर्थिक संकट से जूझ रहा है, जिसे राजपक्षे परिवार के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। उसका मध्य प्रदेश से भी एक कनेक्शन है। 21 सितंबर 2012 को श्रीलंका में तत्कालीन राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे ने सांची के बौद्ध विश्वविद्यालय में एक पौधारोपण किया था। अब वो पेड़ बन चुका है। इसे वीवीआईपी पेड़ भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी सुरक्षा में 24 घंटे पुलिस की एक टुकड़ी तैनात रहती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सालाना इस पेड़ में 12 से 15 लाख का खर्च होता है। पिछले 10 साल में इसके रखरखाव के लिए करीब 1.5 करोड़ रुपए खर्च हो चुका है। पेड़ से गिरने वाले हर एक पत्ते को संभाल कर सुरक्षित रखा जाता है। यहाँ तक कि पेड़ के पत्तों को तोड़ने पर केस भी दर्ज हो जाता है। राजपक्षे बोध गया के बोध वृक्ष की शाखा को लाए थे। उन्होंने सांची के स्तूप के पास स्थित पहाड़ी में उसको रोपा था। ये उसी पेड़ की शाखा है जिसके नीचे बैठकर भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।